राजेंद्र सिंह को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलेंगे पप्पू यादव। आज दिनांक 29/6/2018 को जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो माननीय सांसद पप्पू यादव जी आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह के पैतृक आवास संग्रामपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी और राजेंद्र सिंह के स्मारक बनाने के लिए 50,000 की आर्थिक मदद की। वहीं पर श्री यादव प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, इस घटना की सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हुए 3 महीने के अंदर स्पीड ट्रायल के माध्यम से दोषी को सजा मिले। राजेंद्र सिंह को न्याय दिलाने के लिए 1 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर इस घटना से जुड़े हर पहलू पर चर्चा करेंगे। आगामी लोकसभा सत्र 20 तारीख को सदन में दोनों आरटीआई कार्यकर्ताओं के हत्या का मामला उजागर करेंगे और सदन में आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मिले इसकी मांग और बाल सुरक्षा बिल पर चर्चा और बिहार में हो रहे बालिका यौन शोषण, लगातार हो रहे बलात्कार पर लगाम लगे। राजेंद्र सिंह के यहाँ जाने के क्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष मुख्तार प्रसाद गुप्ता के अध्यक्षता में केसरिया के गगन होटल में भव्य स्वागत भी किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र त्यागी, प्रदेश महासचिव रमाकांत राकेश, निवर्तमान युवा प्रदेश प्रवक्ता अंकुश कुमार सिंह व पूर्व प्रत्याशी उमेश सिंह, जिला महासचिव गौरव, जिला उपाध्यक्ष रोहित तिवारी, कृष्णा नेताजी, जाहिर अहमद, मुन्ना कुशवाहा, सत्यम जी, युवा नेता रवि यादव, पवन यादव आदि सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाज सेवी मर जाए, चाहे लाखों सामूहिक बलात्कार के नाम पर बेटियों का बलिदान हो जाए, चाहे लाखों माफियाओं सामाजिक संरचनाओं को लूट ले, चाहे हजारों सैकड़ों दर्जनों बालिका गृह का उद्भेदन हो, नेताओं तक परोसने की, लड़कियों को और पदाधिकारियों को परोसने की सबूत पेश हो जाए, यह इशू अब न तो